What's up guys, this is Dave. Welcome back to BitBull. So on this Super Sunday, I'm gonna teach you how our hackers look at the market. So aaj mera role hai, a complete technical analyst. Regardless of all this nonsense which is happening around the world, the war between Russia, Ukraine, the crypto tax, the most disturbing fact in India right now, ye sab kuch chhod ke, how should our technical hackers look at the market? So aaj के वीडियो में मैं आप सब लोगों को मैं तीन पैटर्न सिखाने वाला हूं. फर्स्ट, मार्केट का ए बी सी. सेकंड, हाउ टू फिगर आउट अ वैलिड डब्ल्यू पैटर्न. एंड थर्ड, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू वॉल्यूम, कि मार्केट का वॉल्यूम देख के कैसे पता चलता है मार्केट कहां पे बम्प्स कर सकता है. सो वन थिंग फॉर श्योर, 50% भी व्यूअर्स अगर ये वीडियो एंड तक खत्म करता है, ट्रस्ट मी, आप सब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, आप सब लोगों का जिंदगी चेंज होने वाला है. ऑल दिस न्यूज, ऑल दिस पैटर्न, ऑल दिस नॉलेज इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. वी जस्ट वांट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ लाइक्स. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो, इफ यू फील कंफर्टेबल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड बिफोर आई गो फॉरवर्ड इन दिस टुडेज टॉपिक, डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट माई ट्विटर एंड टेलीग्राम हैंडल, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. एंड साथ ही साथ ये सारे के सारे पैटर्न, ये सारे के सारे ब्रेकआउट्स अगर मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो, यू विल गेट अ बाइनेंस रेफरल लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन एज वेल. इफ यू फील कंफर्टेबल, यू कैन गो अहेड एंड क्लिक ऑन दैट लिंक एज अ रेफरेंस एंड यूज इट व्हाइल यू आर साइनिंग अप फॉर योर बाइनेंस अकाउंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. सो टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज मार्केट का एबीसी. सो ये एबीसी नॉलेज के थ्रू कोई भी ये प्रेडिक्ट कर पाएगा कि मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है. ये बहुत ही एक बेसिक नॉलेज है एंड जो कि वी मस्ट नो एंड वी मस्ट रिकॉग्नाइज व्हेन वी आर एक्टिवली ट्रेडिंग ऑन एनी मार्केट. सो नाउ व्हाट इज एबीसी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाना चाहता हूँ अपवर्ड ट्रेंड जब मार्केट पे रहता है तब एबीसी कैसे क्रिएट होता है. तो एबीसी मतलब तीन पॉइंट मार्केट पे. सो ये वाला जोन पे फोकस करे, फर्स्ट ए देन बी एंड सी, ये तीनों पॉइंट ए बी सी. तो ए पॉइंट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर. उस इमीडिएट शॉर्ट टर्म पे द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर इज ए. देन बी इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड सी इज द सेकेंड लोएस्ट पॉइंट. तो अभी इधर का जो डेफिनेशन है, अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो सी शुड बी हायर देन पॉइंट ए. सो जब मार्केट अप ट्रेंड पे रहेगा तब ये एक ऐसा पैटर्न क्रिएट होगा, ए लोएस्ट पैटर्न, बी हाईएस्ट एंड सी शुड बी हाईएस्ट फ्रॉम द ए पॉइंट. तो इसके चलते वी कैन रिकॉग्नाइज अ डिसेंट अपवर्ड ट्रेंड. नाउ फॉर एग्जांपल लुक एट दिस स्ट्रक्चर, ए बी सी, सी हायर देन द ए सो अप ट्रेंड. अगेन ये वाला पॉइंट पे अगर ए क्रिएट करूं, ए बी सी, अगेन सी हायर देन द ए अप ट्रेंड. सेम वेज जहां पे भी अपवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है, यू कैन सी द सेम स्ट्रक्चर ए बी सी, ए बी सी, सी इज हायर देन द ए अप ट्रेंड. जहां पे भी एक लेजिटिमेट अपवर्ड ट्रेंड रहेगा उधर हमेशा द सी पॉइंट विल बी हायर देन द ए पॉइंट एंड हेंस इट्स अ अप ट्रेंड. सो ये तो था ड्यूरिंग अप ट्रेंड एबीसी पैटर्न कैसे क्रिएट होगा. द बेसिक इज सी पॉइंट हैज टू बी हायर देन द ए पॉइंट. सो नाउ ड्यूरिंग द डाउन ट्रेंड इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट. सो लुक एट दिस स्ट्रक्चर, ए इज द बॉटम मोस्ट, बी इज द टॉप मोस्ट एंड सी, लुक एट द सी, रिमेंबर अप ट्रेंड में सी ए से ऊपर रहेगा. नाउ इन केस इट इज डाउन ट्रेंड, सी का जो पॉइंट ए से नीचे आ जाएगा एवरी टाइम. अगेन लुक एट द पैटर्न, ए बी एंड सी, जब जब मार्केट डाउन ट्रेंड पे रहेगा, जब जब मार्केट का प्राइस नीचे आएगा, मस्ट बी जो सी पॉइंट रहेगा, ए बी एंड सी, जो सी पॉइंट रहेगा हमेशा ए पॉइंट से नीचे रहेगा, एकदम अपोजिट ऑफ द अपवर्ड ट्रेंड. नाउ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द डाउन ट्रेंड, लुक एट दिस स्ट्रक्चर, ए bottom most, B top most and C below A point, hence downtrend. Again A B C, C is below A point means downtrend.
सो ये सब बहुत ही बेसिक सा एक नॉलेज है, बहुत ही बेसिक सा एक स्ट्रक्चर है, जिसके चलते आप मार्केट का ट्रेंड रिकॉग्नाइज कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सकते हो, चाहे ये टाइम मार्केट पे लॉन्ग जाने का है या फिर शॉर्ट जाने का है। परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट डेफिनेशन हाउ टू रिकॉग्नाइज मार्केट का ट्रेंड। सो नाउ द सेकेंड मोस्ट बुलिश पैटर्न विच इज W। तो आए दिन मार्केट में W कहीं पे भी क्रिएट होता है, बट ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा W बुलिश एंड कौन सा W बेयरिश है? तो अगर एक बुलिश W है वो ऐसे दिखेगा, मतलब जो राइट शोल्डर है वो लेफ्ट शोल्डर से ऊपर रहेगा। अगर W ऐसे क्रिएट हो गया, मतलब लेफ्ट शोल्डर इज हायर देन द राइट शोल्डर, उसके मतलब वो एक बेयरिश W पैटर्न है। तो अभी चार्ट में दो ऐसा W पैटर्न दिखाऊंगा, जिसके चलते जो भी ये पैटर्न अर्ली एक्सेस किया है, अर्ली रिकॉग्नाइज किया है, दे ऑल हैव मेड मिलियंस। Now before you start finding any W pattern, always remember, कभी भी जब market किसी trend line follow करेगा, do not focus in any W pattern, चाहे वो upward trend हो या फिर downward trend हो। W pattern हमेशा एक consolidation period के time पे जब breakout होता है, उसी time पे we will focus on the potential W pattern breakout। तो first ये वाला consolidation period में just look at this, मैंने एक trend line भी draw किया है, look at that W pattern। राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर इज जस्ट हायर देन द राइट शोल्डर, हेंस अ W पैटर्न ब्रेकआउट। तो द लास्ट वन इज द वॉल्यूम बार, ऐसे बोल सकते हैं द मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू रिकॉग्नाइज बट द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट टिप, वॉल्यूम बार कभी भी 1 आवर, 4 आवर और लेस देन 1 आवर कैंडलस्टिक चार्ट में मत देखना, यू विल नेवर गेट अ क्लैरिटी। हमेशा एवरी टाइम, चाहे कोई भी मार्केट हो, इक्विटी हो, फोरेक्स हो, किसी भी मार्केट में, ऑलवेज लुक फॉर वीकली कैंडलस्टिक चार्ट और डेली कैंडलस्टिक चार्ट। So, 3 पॉइंट मैं दिखाऊंगा वेरी रिसेंट लास्ट 13 मंथ्स का। ये दोनों रेड कैंडल स्टिक देखना, डू नॉट फोकस ऑन द कैंडल स्टिक, लुक एट द वॉल्यूम बार एग्जैक्टली बिलो रेड कैंडल, बट द वॉल्यूम इज हायर देन लास्ट 2-3 कैंडल, हेंस अ ब्रेकआउट। सेम थिंग, फोकस हियर, अ बिग रेड कैंडल बट लुक एट द वॉल्यूम हायर देन द लास्ट 3-4 कैंडल्स, हेंस कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट। अगेन लुक एट दिस पार्ट, रेड कैंडल बट द वॉल्यूम बार इज हायर देन लास्ट 3-4 कैंडल्स, हेंस अ ब्रेकआउट। सो कैंडल किसी भी कलर का हो, रेड या फिर ग्रीन, उसका वॉल्यूम अगर पिछला 2-3-4 कैंडल से हायर है, देन यू माइट गेट अ रिवर्सल एंड दैट इज अ पॉजिटिव रिवर्सल। So now let's evaluate the recent market structure. जो तीन चीज हमने सीखे, ABC, W and volume bar, ये सब के चलते market में अभी क्या हो रहा है। So मैं अगर एक teacher होता तो मैं शायद ही आप लोगों को homework करने के लिए देता, but I'm sure के बहुत सारे लोग already वे video से skip करके निकल गया है। So that is your personal choice, but it is my responsibility to finish the video in a positive sense, ताकि in future कभी अगर देखो आप लोगों को ये ऐसे feel होना चाहिए, इश शायद मैं ये वीडियो पूरा खत्म कर लेता। सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर मार्केट का ABC पैटर्न, रिमेम्बर ABC, इफ इट इज अप ट्रेंड, सी इज ऑलवेज हायर देन द ए पॉइंट, हेंस इट इज अप ट्रेंड। लुक एट द रिसेंट स्ट्रक्चर, ABC, सी इज हायर देन द ए, फर्स्ट नंबर 1 इज क्लियर, मार्केट इज इन द अप ट्रेंड। नाउ विल चेक द पोटेंशियल W ब्रेकआउट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज W पैटर्न, एंड रिमेम्बर W इज ओनली वैलिड वंस मार्केट इज इन अ कंसोलिडेशन पीरियड, एंड लुक एट द शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर इज हायर देन द राइट शोल्डर, हेंस वी आर गोइंग टू गेट आर W पैटर्न ब्रेकआउट सून और लेटर इन फ्यूचर, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट आर W पैटर्न। अगर ये रॉन्ग हुआ, प्रूव मी रॉन्ग। And finally, last one, the most easiest one, which is the volume bar. So, ये है Bitcoin का एक weekly candlestick chart. And look at this ongoing candle, जिसका spread बहुत ही छोटा है. But look at the volume, which is definitely higher than any of this candle. Last एक साल, एक महीने का कुछ भी candle उठा लो. This week, जो ongoing week का candlestick create हुआ है, उसका height किसी भी candle
ढूंढ लो, सबसे हाईएस्ट कैंडल है। सो आई डोंट वांट टू इमेजिन कि इसके बाद मार्केट कितना जोर से और कितना तेजी से बम्स बैक करने वाला है। आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू गाइस टू एंजॉय द नेक्स्ट ब्रेकआउट। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे ही मैंने बोला था, जिसने भी ये वीडियो पूरा खत्म करेगा उनका लाइफ चेंज होने वाला है। नाउ इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, शो सम सपोर्ट। डीसेंसी के तौर पे यू सपोज टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, क्रिएट अ ऑल टाइम हाई इन लाइक्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो अमंग इन योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ट्विटर, टेलीग्राम, एवरीवेयर, जहां पे भी जाओगे आप लोगों को बस नॉलेज ही नॉलेज मिलेगा। मैं फालतू का टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ, ना आप लोगों का भी करवाता हूँ। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, देव साइनिंग ऑफ।